हेलो गाइस, वेलकम बैक एनीमे मास्टर थ्योरिस्ट। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में नोबिता के क्रशेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलो बिना कुछ सोचे इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो है उसे तो सब लोग जानते होंगे, इसका नाम सुजुका है। इसको भाई कौन नहीं जानता होगा। भाई सुजुका को सब लोग जानते हैं क्योंकि ये पहले नंबर में इसलिए क्योंकि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, नोबिता की सबसे अच्छी क्रश यही थी। और भाई नोबिता भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सुजुका भी। लेकिन इसके अलावा भी नोबिता के और भी बहुत सारे क्रश है, तो सुजुका भी नोबिता की बहुत अच्छी क्रश है और हो भी सकती है। तो चल, तो चले अपने नेक्स्ट क्रश के बारे में। दूसरे नंबर पर है दोस्तों कार्ला। कार्ला भी एक अच्छी क्रश हो सकती है नोबिता के, ग्रेट एडवेंचर काची कुची मूवी में रहती है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है रीरू। इसे भाई सब लोग जानते होंगे, ये भी नोबिता की बहुत फेमस मूवी है और डोरेमोन की, ये भी नोबिता की अच्छी क्रश है। और दोस्तों चौथे नंबर पर है लूली। इसे भी बहुत लोग जानते होंगे, ये नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त में से एक हो सकती है। और भाई उस टाइम नोबिता का चेहरा दिखने लायक भी था जब इसे पहली बार मिला था, तो ये भी नोबिता की एक अच्छी क्रश हो सकती है दोस्तों। और पाँचवें नंबर पर है रोबोको। तो दोस्तों जानते होंगे एक रोबोट है, लेकिन ये भी नोबिता की बहुत अच्छी दोस्त थी। इसे पसंद नहीं था कि नोबिता इसे छोड़कर किसी और के अलावा बातचीत करे, इसलिए ये भी एक नोबिता की बहुत बड़ी क्रश है। और नोबिता भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो इसलिए ये भी एक नोबिता की क्रश ही है। चलो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्रश पर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्रश है स्नो स्प्रिट। इसे आधे लोग जानते होंगे, आधे लोग नहीं दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत पुराना एपिसोड में से एक है। लेकिन ये भी नोबिता की बहुत बड़ी क्रश है और नोबिता भी इसे पसंद करता था भाई, क्योंकि सुजुका की तरह ही दिखती थी। और ये नोबिता को ठीक करने के लिए अपनी जान तक दे देती, इसलिए नोबिता इसे पसंद करता था। और चलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्रश पर। तो अगली क्रश है मियोको। इसे भाई जानते होंगे सब लोग, ये जादुई मंत्र और जहन्नम मूवी में दिखाई जाती है। ये भी एक नोबिता की अच्छी क्रश थी। और भाई ये नोबिता से बड़ी थी, इसलिए नोबिता इससे ज़्यादा दोस्ती कर नहीं पाया। हालाँकि ये भी एक नोबिता की क्रश थी और नोबिता भी इसे पसंद करता था। चलो अगले क्रश पर चलते हैं। अगली क्रश है दोस्तों सोफिया। तो दोस्तों इसे तो बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग इसे पसंद भी करते होंगे, क्योंकि भाई नोबिता का चेहरा देखने लायक था और नोबिता खुद इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और हमेशा इसकी मदद करता था। और नोबिता और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, हमेशा दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते थे, इसलिए ये भी एक नोबिता की अच्छी क्रश है और हो भी सकती है दोस्तों। अब अगली क्रश है कागुया। इसे सब लोग जानते हैं भाई, मून प्रिंसेस। इसे कौन नहीं जानता होगा, ये भी नोबिता की अच्छी क्रश हो सकती है। हालांकि वो उसके घर में एक सिस्टर के रूप में थे, लेकिन फिर भी एक नोबिता की अच्छी क्रश है दोस्तों। अगली है नॉन चैन। भाई नॉन चैन नोबिता की सबसे अच्छी पहली और सबसे अच्छी दोस्त है। इसे भाई सब लोग जानते होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अलग से वीडियो बनाता, ज़रूर कमेंट में करना। तो दोस्तों अगली क्रश है ग्रैंड डॉटर कामेनारी की। ये भी नोबिता की बहुत अच्छी क्रश है भाई, इसके लिए तो सब लोग पागल थे, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो अगली क्रश है नोबिता की लिलियन, जो कि हमें दूसरे स्पेस से दिखाई जाती है भाई। लेकिन ये भी एक नोबिता की अच्छी क्रश है। और भाई नोबिता और इसके एपिसोड किसी ने अभी तक नहीं देखा तो जाओ चेक करके आओ, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही मस्त है और ये दोनों भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए नोबिता की ये भी एक क्रश है। और अगली क्रश है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता है तो इसलिए। और दोस्तों ये भी एक नोबिता की बहुत बड़ी क्रश है, लेकिन इसका भी नाम मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों अगली क्रश है क्लैम। इसे तो भाई सब लोग जानते ही होंगे, ये भाई नोबिता की दोस्त की बहन थी, तो समझ रहे हो ना भाई नोबिता की नज़र। तो अगली क्रश है भाई सारा। ये भी ग्रेट एडवेंचर आइलैंड मूवी, ग्रेट ट्रेजर आइलैंड मूवी में दिखाई जाती है, नोबिता की क्रश है। और भाई ये भी नोबिता की क्रश है। फॉरेस्ट स्पिरिट्स के बारे में सब लोग जानते होंगे भाई, ये भी नोबिता की क्रश है। और ये भी नोबिता की क्रश है भाई, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता है, तो कोशिश करूँगा कई बार नाम भाई ज़रूर ढूंढ करके लाओ। ये भी नोबिता की क्रश है भाई, इसे सब लोग जानते हैं प्रिंसेस। और अगली क्रश ये नोबिता की है। ये भी नोबिता की बहुत बड़ी क्रश और नोबिता भी इसे पसंद करता था, लेकिन अभी तक इसका नाम मुझे नहीं पता है यार, क्या करें, किसी का भी नाम पता नहीं रहता यार। तो दोस्तों अगली क्रश है मियोको। इसे तो जानते होंगे आप लोग, ये भी एक बहुत बड़ी क्रश थी नोबिता की और नोबिता भी इसे पसंद करता था दोस्तों। अगली क्रश है साइको साउतोमी। भाई ये नोबिता की नई क्रश है और ट्रांसफर स्टूडेंट है नोबिता के स्कूल में भाई, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये डब्ल्यूसीक्यू से भी ज़्यादा समझदार है भाई लोग, तो इसके जब एपिसोड इंडियाज में आएंगे तो देखने में मज़ा आएगा। लेकिन अभी के लिए बस इसके छोटी सी फोटो या फिर इमेज शेयर की गई है। तो भाई ये भी एक नोबिता की बहुत बड़ी क्रश है और भाई नोबिता भी इसे पसंद करता था। बहुत लोग भाई इसे नॉन चैन भी समझते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है।
जो साइको सा होते हैं भी शायद भाई सुजुका की जगह ले सकते हैं। हालांकि सुजुका रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या पता भाई आगे कुछ भी हो जाए, अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूं।